भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है और कृषि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि किसानों के लिए अच्छी और सस्ती सिंचाई व्यवस्था सुलभ हो। प्रायः यह देखा गया है कि नदी तट के पास के खेतों में सिंचाई व्यवस्था के लिए किसानों को विद्युत और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता नहीं होती है। झारखंड का जो टोपोग्राफी है वो इतना अनड्यूलेटेड है कि पानी यहाँ पे रुकता नहीं है। आज हम चाहते हैं कि इस जल का संग्रह यहाँ के मिट्टी में इस जल का संग्रह किया जाए ताकि इसकी बहुतायत रहे और उसको फिर लिफ्ट करके और खेतों में इस पानी को पहुँचाया जा सके। इस प्रॉब्लम को देखते हुए झारखंड सरकार, केंद्र सरकार तथा वर्ल्ड बैंक ने एक समेकित परियोजना का विकास किया जिससे उन्हें सिंचाई के लिए मौसम पर निर्भर नहीं रहना पड़े। इस समस्या के समाधान हेतु झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS के द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना जोहार के तहत सौर सामुदायिक सिंचाई योजना की रूपरेखा तैयार की गई। जोहार परियोजना का एक मुख्य अंश सोलर इरिगेशन स्कीम के ऊपर रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे जल स्रोत जिनसे सालों भर खेती की जा सके, जैसे नदी, तालाब या कुआं जिनमें सालों भर जल संचित रहता है, उनमें बड़ी क्षमता के सौर पंपों की स्थापना कर मुख्य पाइपलाइन से वितरण प्रणाली द्वारा अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जाना है। इसी क्रम में सिंचाई करने के लिए दो मॉडलों का चयन किया गया। पहला सौर सामुदायिक लघु सिंचाई योजना सोलर कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम और दूसरा सौर जल सिंचाई योजना सोलर मूवेबल इरिगेशन सिस्टम सोलर कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम के तहत वैसे किसान समूह जिनके पास 5 से 10 एकड़ जमीन है उन्हें 5 या 7.5 HP क्षमता के सौर पंपों की मदद से सिंचाई व्यवस्था मुहैया कराई जाती है और वैसे किसान जिनके पास 30 से 40 डिसिमल जमीन है जो छोटे स्तर पर खेती करते हैं उन्हें 1 HP क्षमता वाले ट्राली बेस्ड सौर चलन सिंचाई यंत्र मुहैया करवाई जाती है। जोहार परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वर्ल्ड बैंक का सामूहिक प्रयास है। जोहार परियोजना आज प्रदेश के 17 जिलों, 68 प्रखंड, 3,269 उत्पादक समूह और 1,60,000 किसान परिवारों तक पहुंचाया जा चुका है और योजना है कि करीब करीब प्रदेश के सारे जिलों तक इनका लाभ पहुंचाया जाए। इन दोनों सौर सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन में हमारी कंपनी कमला इंस्ट्रूमेंट्स का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी होनहार और कुशल टीम ने इस योजना को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए दिन रात मेहनत की है। कुशल नेतृत्व और हमारे कर्मठ कर्मचारियों के समर्पण से ही यह संभव हो पाया है। इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए हमने मशीनों, जानवर और इंसानों सभी की सहायता ली। उत्पादक समूह के लोगों ने भी अपना सहयोग श्रमदान करके दिया। सोलर कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम को कई चरणों में पूरा किया जाता है और इसे पूरा करने में काफी समय लगता है क्योंकि यह एक जटिल प्रक्रिया है। चरणबद्ध तरीके से इसका क्रियान्वयन करने से ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और इसका पूर्ण लाभ किसानों को मिलता है। सोलर पैनल्स लगाने के लिए स्थल चिन्हित करके स्ट्रक्चर की ग्राउटिंग की जाती है, साथ ही साथ सोलर फेंसिंग के लिए भी लेक्स को जाम किया जाता है। स्ट्रक्चर जाम करने के बाद सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया जाता है जो कि सोलर पैनल्स को 8-8 की कतार में लगा के पूर्ण होता है। पाइपलाइन लगाने के लिए JCB के मदद से ट्रेंच की खुदाई की जाती है।
और उसके बाद ट्रेंच में जिसकी लंबाई 500 से 600 मीटर के बीच होती है उसमें 160 mm के पीवीसी एग्रीकल्चर पाइप बिछाई जाती है। यह काम बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता है क्योंकि इसे करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पाइपलाइन बिछाने के दौरान उत्पादक समूह के आवश्यकता के अनुसार पटवन करने के लिए आउटलेट्स बनाया जाता है जो कि वस्तुतः 3 या 4 होता है। इन्हीं आउटलेट्स के माध्यम से किसान हस्ती पाइप के मदद से अपने खेतों तक पानी ले जा पाते हैं। इसी दौरान पाइपलाइन को पंप से जोड़ने के लिए NRV एवं अन्य फिटिंग्स को भी लगाया जाता है। अंततः सोलर पंप को स्थापित करके मुख्य पाइपलाइन से जोड़कर पानी डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सौर पंपों के मदद से आज प्रदेश के कृषक भाई बहन तीनों सीजन में खेती कर पा रहे हैं और अपनी आमदनी को दोगुनी और तिगुनी कर पा रहे हैं, जिसका प्रभाव आज उनकी जीवन शैली पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जो किसान पहले 20 से 25 हजार तक भी खेतों से नहीं कमा रहा था, प्रति एकड़ की मैं बात कर रहा हूँ, वो अभी 1.5-2 लाख रुपए प्रति वर्ष आराम से कमा ले रहे हैं। आज प्रदेश का किसान पहले से ज्यादा उन्नत, स्वावलंबी और खुशहाल है। इसी क्रम में सोलर मूवेबल इरिगेशन सिस्टम के मदद से छोटे किसानों जिनके पास कम मात्रा में जमीन की उपलब्धता है उन्हें सिंचाई व्यवस्था प्रदान की जाती है। सोलर मूवेबल इरिगेशन सिस्टम काफी सरल प्रणाली है जिसे बहुत सरलता से किसान अपने खेतों तक ले जा सकते हैं और पटवन कर सकते हैं। सोलर मूवेबल इरिगेशन सिस्टम पूर्णतः कमला इंस्ट्रूमेंट्स का इनोवेशन है जिसे श्री संजय दास, स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इरिगेशन जोहार के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। जो स्मॉल फार्मर हैं या फिर मार्जिनल फार्मर हैं जिनका 10, 20, 50 डिसमिल जमीन है और जिनका जमीन उस कमांड एरिया में नहीं आ रहा है, वैसे किसानों के लिए हम जोहार है जो योजना के अंतर्गत क्या कर पाए हैं, तो उन लोगों का चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जोहार परियोजना अंतर्गत सोलर मूवेबल सिस्टम को भी हम लोग डिज़ाइन किए हैं। सोलर मूवेबल सिस्टम को भी प्रमोट कर रहे हैं जो गांव के हर उस प्रांतों में तक पहुंचे जहां पर इस तरह का किसान जिनके पास छोटा छोटा डोबा है, कुआं है या फिर तालाब है या फिर बगल से बहता हुआ कोई भी जल स्रोत है, लेकिन वहां से इरिगेशन करने के लिए उनके पास संसाधन की बड़ा कमी है, वैसे किसानों के लिए हम लोग सोलर मूवेबल डिवाइस को भी लाए हैं और वो जो है उत्पादक समूह में हम लोग मुहैया करवा देंगे, जहाँ पर जो भी किसान है जिनको पटवन की जरूरत है वहाँ से वो उसको रेंट के हिसाब से ले सकते हैं और जितने भी पटवन है जो कम्युनिटी डिसाइड करेगी तो उनको वो पटवन का पैसा दे करके वो उस संसाधन का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। यह एक बहुत ही क्रांतिकारी योजना है जिसका लाभ आज प्रदेश के काफी सारे कृषक भाई बहनों को मिल रहा है। इस योजना में 900 वाट के सोलर पैनल्स जो कि ट्रॉली माउंटेड होते हैं उनकी सहायता से 1 HP क्षमता के सोलर DC सरफेस पंप को चलाया जाता है। इस सोलर ट्रॉली सिस्टम में पटवन करने के लिए सारी व्यवस्था होती है जिसे किसी भी जल स्रोत से जोड़कर पटवन की जा सकती है। छोटे किसानों के लिए यह योजना एक वरदान साबित हो रही है। कंपनी का उद्देश्य है कि भविष्य में ज्यादा से ज्यादा किसानों तक यह सुविधा पहुंचाई जाए।
इस परियोजना के क्रियान्वयन में हमारी कंपनी कमला इंस्ट्रूमेंट्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कमला इंस्ट्रूमेंट्स सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों के निर्माता हैं, जो कि वर्ष 2004 से अस्तित्व में है। बीते 18 वर्षों में हमारी कंपनी ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सारी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं और सामाजिक कल्याण में बड़ी और अहम भूमिका निभाई है। हमारी कंपनी के लिए व्यापार के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि हम निरंतर 18 वर्षों से निभाते चले आ रहे हैं। हमने केंद्र सरकार, राज्य सरकार के काफी सारे महत्वाकांक्षी योजनाओं में अपनी सहभागिता दर्ज करवाई है और उनके मार्गदर्शन में योजनाओं का क्रियान्वयन किया है, जो कि पुनर्तहजन कल्याण का कार्य है। कंपनी ने 2017 में केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना को पूर्ण किया, जिसमें हमने 72 ऐसे गांवों को सोलर ग्रिड के माध्यम से जोड़ा और प्रकाश की व्यवस्था की, जहां आजादी के बाद लोगों ने अब तक बिजली नहीं देखी थी। ठीक इसी प्रकार राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के जोहार योजना का हिस्सा बनकर बीते 2 वर्षों में 150 सोलर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम एवं बीते 2 महीनों में 150 सोलर मूवेबल इरिगेशन सिस्टम का क्रियान्वयन किया है। अंततः आप हमारे डायरेक्टर श्री मनीष कुमार के भविष्य के योजनाओं के बारे में और उनके सराहनीय प्रयासों को सुने। कमला इंस्ट्रूमेंट्स का नींव 2004 अक्टूबर में पड़ा था, लगभग 18 साल हो गए। 18 साल में जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 2004 में, तो मात्र 2 लोगों के साथ स्टार्ट किया था हम लोगों ने, और आज हमारे पास लगभग 150 लोगों की टीम है, जिसमें मोस्टली यूथ है, मतलब 99% यूथ हैं, जिनकी उम्र 18 से लेके 38 साल के बीच है। ये 18 साल में हमने बहुत उतार चढ़ाव देखा, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट आए, कोई से अच्छे प्रोजेक्ट काम करने में कुछ हानि भी हुई, लेकिन जो भी प्रोजेक्ट किया हम लोगों ने उसमें जन कल्याण को देखते हुए किया और जन कल्याण के लिए किया। लगभग आज झारखंड के हर गांव में जहां भी रोशनी है, तो शायद उसमें मेरा कुछ योगदान है। कहीं भी खेतों में फसल दिख रहे हैं, तो उसमें भी मेरा योगदान है। 2004 से अभी तक लगभग 75 गांव को ग्रिड के माध्यम से, सोलर ग्रिड के माध्यम से इलेक्ट्रीफाई किया। लगभग 150 बड़े खेतों, बड़े समूह को 5 HP पंप जैसे LPS के माध्यम से दिया, 150 ट्रॉली के माध्यम से छोटे किसान जो सब्जी उगाते हैं उनके लिए दिया। उसके अलावा बहुत सारे और से प्रोजेक्ट हैं, जेडा के माध्यम से, जैसे LPS के माध्यम से, ग्रामीण विकास के माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से, बहुत से योजनाओं को हम लोगों ने काम किया, जिसमें मैं और मेरी पूरी टीम का बहुत बड़ा योगदान था। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मेरी टीम पूरी समर्पित है कमला परिवार की तरफ से। हमारी कंपनी कमला इंस्ट्रूमेंट्स का अपने आप से दृढ़ संकल्प है कि हम आने वाले वर्षों में दोगुनी ऊर्जा के साथ और पूरी ईमानदारी एवं सहभागिता के साथ देश कल्याण की राह पर अग्रसर रहेंगे।